श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को भक्त का भी अहंकार प्रिय नहीं होता है। भक्त को तो एक ही अहंकार प्रभाव देता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अहंकार तो कल्याणकारी होता है, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, योग्य हूँ, चतुर हूँ, कलाकार हूँ, बड़ा जितना जितना गुण होता है वो सबका धनवान हूँ मैं, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। ये भी गलत है भक्तों, ये भी नहीं अहंकार होना चाहिए कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं सबसे छोटा वाला भक्त हूँ और सब भक्त मुझसे बड़े हैं। तो जितना अहंकार शून्यता होगी उतना ही प्रभु उसको प्यार करते हैं, अपना बना के रखते हैं। भक्तों, ये गुण सच्चे भक्त में ही होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि योगानंद परमहंस जो बच्चे थे, तो उनका नाम मुकुंद था, तो वो संन्यास की रट लगाए थे। तो बड़ा भाई डांट रहा था अनंत दा, उन्होंने कहा तुम भगवान को कुछ मानते भी हो, मैं देखता हूँ भगवान तुम्हारे लिए कितना करते हैं। भगवान तुम्हारे लिए कुछ करते हैं कि ऐसे ही भगवान के लिए चल रहे हो घर छोड़ के? और परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि आगरा से वृंदावन जाओ, सुबह सुबह जाने का टिकट तो दे दिया और कहा पैसा एक भी नहीं दूंगा, न तुम्हारे पास होना चाहिए, न कोई खाने की चीज़ होनी चाहिए, न तो किसी से पैसा मांगोगे और न खाने की चीज़ मांगोगे। और फिर मैं देखता हूँ कि भगवान वृंदावन में तुम्हारी कितनी खातिर करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। भूख से मरते हुए आओगे कि कुछ खाने को भी बिन मांगे मिलता है तुमको? मांगना नहीं भोजन, और वापस रात को 12 बजे तक आगरा आ जाना और फिर बताना कि भगवान ने तुम्हारी क्या संभाल की है। और साथ में एक को देखा, देखने के लिए भेजा था कि तुम वास्तविकता देखना कि इसके साथ क्या घटना घटती है, ये झूठ मूठ तो नहीं बनाता है बातें। वो जितेंद्र नाम का जो बालक था, ये दो बालक थे, एक मुकुंद एक जितेंद्र। वो जितेंद्र मैंने कल आपको बताया था गुरु भाई था, लेकिन वो गुरु भाई था स्कूल वाली पढ़ाई का, गुरु महाराज से युक्तेश्वर जी से दीक्षा नहीं लिया था। अब ये तो महावतार बाबा के शिष्य श्यामाचरण लाहड़ी के शिष्य युक्तेश्वर जी से महाराज दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, बस संन्यास नहीं लिया था मुकुंद जी। लेकिन वो जितेंद्र जो साथ में था वो स्कूल में पढ़ाई का गुरु भाई था, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ते थे, तो उस दृष्टि से गुरु भाई मैंने कहा था आपको। लेकिन उसमें आध्यात्मिक शिक्षा तो कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल भी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं थी। भगवान पर रंचमात्र भी उसका विश्वास नहीं था, और बड़े भाई होने पर भी मुकुंद के बड़े भाई अनंतदा के अंदर भी भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं था, इसलिए तो वो विरोधी बने हुए थे सगे भाई होने पर भी कि मैं संन्यास नहीं लेने दूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी कितनी रक्षा करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। ऐसे कह करके टिकट दे करके ट्रेन में बैठा दिया वृंदावन के लिए आगरा से, और थोड़ा नाराजगी में ही कहा कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान ने कुछ व्यवस्था की
भगवान की कृपा से तुम खाने पीने की सुविधाओं के साथ वापस आगरा पहुंच गए बिना पैसे के, और बिना टिकट यात्रा नहीं करोगे और कहीं गलत काम नहीं करोगे, कहीं चोरी नहीं करोगे, पाकिटमारी नहीं करोगे, तो इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं तुमसे दीक्षा लूँगा और तुम्हें गुरु बना लूँगा, मैं शिष्य बन जाऊँगा तुम्हारा। ये कोई भक्ति भाव से नहीं कहा था। जैसे भगवान को ही परीक्षा में कई कई लोग कहते हैं कि भगवान ये मेरा काम कर दो तो भगवान हो, नहीं तो तुम भगवान नहीं हो। तो अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति ऐसा करता है भक्तों, अज्ञान में अहंकार। ऐसे ही उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, तुम मेरे गुरु बन जाओगे, ये तुम भगवान के द्वारा पालित पोषित होकर के आ गए रात तक वापस। महाराज इस परिस्थिति में एक थोड़ी विसंगति थी। विसंगति क्या थी? भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में सम्मान मिलता है, और सब लोग बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं छोटे भाई लोग। और उस समय जब गाड़ी छूटने वाली थी तो कोई इतनी श्रद्धा थोड़े थी बड़े भाई के अंदर कि मैं शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन वो तो डांट रहे थे, मैं देखता हूँ कि कितनी भक्ति तेरे अंदर। तो महाराज जो विद्यार्थी साथ में था ना जितेंद्र, वो गुरु भाई तो था लेकिन स्कूल वाला गुरु भाई था, दीक्षा वाला गुरु भाई नहीं था, तो वो बड़ा चिंता में बैठा था क्योंकि उसको तो भगवान पर विश्वास नहीं था। और आगरा से तो ट्रेन चल पड़ी और सुबह कुछ खाने को भी नहीं दिया था बड़े भाई ने, तो दोनों को भूख लगी अभी रास्ते में ट्रेन में, तो एक चुटकी काटा उसने जितेंद्र ने मुकुंद को और कहा मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देता कि भगवान हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे, और तुम मुझको भी संकट में डालने के लिए ले आए हो, खुद भी भूखे मरोगे और मुझको भी भूखे मारोगे। तो मुकुंद को तो पूरा विश्वास था भगवान में, मुकुंद वही है जो आगे योगानंद परमहंस बनेंगे। तो उन्होंने उस जितेंद्र को कहा अरे संशय आत्मा, भगवान पर थोड़ा विश्वास करना सीख, भगवान हमारे साथ हैं, सारी व्यवस्था वही कर रहे हैं, क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की व्यवस्था नहीं कर सकते हो? जितेंद्र ने कहा, जितेंद्र भी व्यंग कर रहा था कि भगवान व्यवस्था कर रहे हैं तो थोड़ा भगवान से कहो कि जल्दी व्यवस्था कराएं, मैं तो भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। जितेंद्र जो विद्यार्थी था ना उनका मित्र, वो वास्तव में तो सब कुछ भगवान ही उनके थे लेकिन वो मित्र मानता था, वो कह रहा है कि मैं तो बनारस से ताजमहल देखने के लिए आया था आगरा में, और मुझको तुमने संकट में डाल दिया, खुद भी खाली हाथ आ गए, न खाने का न कोई रुपये पैसा का इंतजाम वृंदावन यात्रा करने, एक अन्न का दाना भी साथ में नहीं है, एक पैसा भी नहीं हमारे पास। थोड़ा नाराज हो रहा था वो। तो मुकुंद ने कहा अरे भाई जितेंद्र, आज तुम ताजमहल देखना बाद में कर लेना, आज हम वृंदावन में पहुंच रहे हैं, पहली बार जीवन में वृंदावन का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे मुझे तो इसी विचार से ही आनंद आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पदधूलि से पुनीत उस वृंदावन की धरा पर आज हम पहुंच जाएंगे तो प्रभु के चरणों की रज हम माथे में लगाएंगे। महाराज मुकुंद तो भक्त थे ना, तो भाव विभोर हो रहे थे, और बड़ा भाई तो डांट फटकार के भेजा था ये दिखाने के लिए कि भगवान
न कुछ होते हैं न तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, ये दिखाने के लिए भेजा था। और जितेंद्र जो विद्यार्थी है वो तो बिल्कुल ही अविश्वासी है। और मुकुंद का विश्वास कितना जबरदस्त था कि ऐसी कुसंगति में भी जो अविश्वासी का साथ, उसके साथ होने पर भी वो डिगने वाले नहीं। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की पदधूलि से पुनीत वृंदावन की धारा पर आज हम पहुँच करके प्रभु के धाम का दर्शन करेंगे, मुझे तो इसी से आनंद आ रहा है। और वे हमारे साथ हैं, वो क्यों हमको भूखो रखेंगे, हमें भूखा नहीं रखेंगे, वो हमें वो निश्चित ही पहुँचाएंगे वापस आगरा भी, और आज उनके धाम का दर्शन भी हमको मिलेगा। मुकुंद आनंद विभोर, और उनके विश्वास, उनकी अहंकार शून्यता, प्रभु पर भरोसा, इसी के कारण भक्तों अब आगे लीला हो रही है। अब उसको आप सावधानी से श्रवण करिए। लीला क्या हुई कि जब ये दोनों बच्चे मुकुंद और जितेंद्र आपस में बातें कर रहे थे, एक निराशा की एक आशा की, जितेंद्र निराशा की बात कर रहा था, डांट रहा था कि तुम कहाँ मुझको फंसा दिए, ऐसे भगवान तुम्हारे लिए व्यवस्था करते जल्दी क्यों नहीं कराते हो, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। महाराज उसी समय जब मुकुंद उनको समझा रहे थे जितेंद्र को कि हम भगवान के धाम में चल रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं, वो सब हमारा ख्याल करेंगे, उसी समय महाराज उनके रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खुला और दो सज्जन अंदर आकर के बैठ गए। और बस अगले ही स्टेशन पर उतरना था इन लोगों को। और वो व्यक्ति जो दो बैठे हैं आकर, वो बोल रहे हैं बच्चों वृंदावन में क्या तुम्हारी कोई जान पहचान का है, तुम दो छोटे बच्चे आ गए हो, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया है क्या? तो वो अनजान अपरिचित जो व्यक्ति था आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था, अर्थात तो आश्चर्य से देख रहा था कि ये दो बालक चले आए कौन हैं। और महाराज भक्तों का स्वभाव होता है कि फालतू आदमी से फालतू बातें नहीं करता भक्त, तो इसलिए मुकुंद को लगा कि कौन लोग हैं, इनसे क्या बात करूं मैं। तो वो दो आदमी जो आए थे बोले शायद तुम लोग चितचोर के सम्मोहन में अपने परिवार से भागे जा रहे हो, वृंदावन भाग के आए हो क्या? फिर वही व्यक्ति बोला जो अभी आकर के बैठा था, बोला मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ मैं, भक्ति प्रधान मेरा हृदय है, इसलिए अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूँ। मुकुंद बोले नहीं महोदय मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हम घर से भागे हुए समझने में भूल कर रहे हैं क्या? वो आदमी बोला तो वो चुप रह गए मुकुंद, कुछ उससे बात नहीं करना चाहते थे। और जब वृंदावन आ गए, उस समय भक्तों छोटी लाइन चलती थी आगरा से वृंदावन के लिए, तो अब वो लाइन उखड़ गई है, लगभग 30 साल पहले थी, तो आगरा से वृंदावन छोटी लाइन आती थी, बड़ी लाइन तो मथुरा से बदलनी पड़ती है, उस समय नहीं बदलना पड़ता था। तो जब वो लोग वृंदावन आए तो जितेंद्र और मुकुंद दोनों लोग प्लेटफार्म पर उतरे, तो जो सहयात्री बने हुए महाराज एक व्यक्ति आ गए और उन्होंने घोड़ा गाड़ी को अर्थात तांगा को बुलाया। महाराज क्या ठाकुर जी ने लीला की है, व्यवस्था क्या भगवान ने की है, एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने वो घोड़ा गाड़ी वाला लेकर के पहुंचाया।
और अपने आप पहुंचा दिया वहां पर, और बिना कुछ कहे एक लड़का मुस्कुराते हुए आया और बोला कि आइए आइए आप दोनों लोग आए हैं, जितेंद्र मुकुंद। और शीघ्र ही वहाँ एक शालीन सौम्य दर्शना महिला एक माता सी आई और बहुत आदर से बैठाया दोनों बच्चों को। अब देखिए भक्तों, क्या व्यवस्था ठाकुर जी की थी कि वहाँ जो माता बैठी आकर के, उनका नाम तो गौरी माँ, तो उनसे वो व्यक्ति जो ले करके आया था वो बोला कि ये ट्रेन में हमको मिले दोनों बच्चे, और ये जब ये मिले हैं हमको रेलगाड़ी में बैठे दोनों बच्चे, तो हमें कृष्ण भक्त प्रतीत हुए, इसलिए हम इनको लेकर के यहाँ आए। तो महाराज जो आदमी लेकर गया था वहाँ पर, वो बोला अच्छा बच्चों हम चलते हैं, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। और दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा ऐसा, और फिर गौरी माता जिनके घर में दोनों बच्चों को ले आए थे, वो माता बोली कि यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामय ढंग से मुस्कराई, प्रेम से, जैसे माँ अपने बच्चे को देखे ऐसे, और कहा कि तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दूसरा दिन नहीं हो सकता है। अरे यहाँ पर इस आश्रम में दो आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे, और कितने खेद की बात है कि पकवान बनाया गया लेकिन वो नहीं आ पाए, और महाराज जो जितेंद्र था उसकी आंखों में तो आंसू आ गए कि लगता खाने को मिलेगा आप कुछ क्या, ये तो बड़ा सुंदर इंतजाम यहाँ पर है, और यहाँ पर वो आदमी हमको बैठा के चला गया, और ये माता कितना प्यार से हमसे बात कर रही जैसे अपने बच्चों से बात कर रही है। और भोजन का बुलावा आ गया, गौरी माँ ने ये दोनों बालकों को, मुकुंद को, जितेंद्र को बरामदे में ले गई जहाँ भोजन किया जाता था। सुंदर सुंदर व्यंजन से सुगंध भरी हुई थी वहाँ, और बैठा करके रसोई घर में चली गई माता। और महाराज जो एक बार चिकोटी काटा था ना जितेंद्र रास्ते में कि कुछ खाने का इंतजाम है कहीं मिलेगा, चल पड़े भगवान का नाम लेकर, तो इतनी जोर से काटा था कि अभी दर्द हो रहा था वहाँ। और अब सोच रहा है जितेंद्र कि अरे मैंने बिना बात किसको चिकोटी काट लिया मुकुंद को, यहाँ तो बड़ा इंतजाम हो रहा है और हमारी न कोई जान न पहचान। भोजन सम्मुख रख करके गौरी माँ एक पंखा लेकर के आई और बैठे हैं दोनों बच्चों को खिला रही और पंखा कर रही अपने हाथ से, और बड़े प्यार से करी बेटा खाओ तुम दोनों, तुम्हारे लिए ही बना है, भगवान ने बनवाया। और माता जी आप इतना सुंदर सुंदर भोजन हमको करा रही, बोले हाँ ये तुम्हारे लिए ही भगवान ने बनवाया है, जिनके लिए बना था वो तो आए नहीं, उनकी जगह तुमको भगवान ने यहाँ बुला लिया। और महाराज इतना स्वादिष्ट भोजन था कि दोनों बच्चों ने भर पेट खाया खूब, और ये जो जितेंद्र है ना विद्यार्थी सहपाठी, वो सोच रहा है कि अरे मुकुंद को जितना विश्वास था उससे भी ज्यादा यहाँ तो सुख मिल रहा है। और जो बड़ा भाई अनंतदा भेजा था परीक्षा लेने के लिए, उसने शर्त लगाई थी ना कि भूखे पेट नहीं आओगे, भगवान तुमको खिलावे बिना मांगे तो मैं मानूंगा। अब उन शर्त उनकी जो थी उसको याद करके अब ये दोनों बच्चे सोच रहे हैं कि भगवान ने वो शर्त भी पूरी कर दी इनकी, अर्थात हमको खूब खाने को मिल रहा है। और माता ने खूब आशीर्वाद दिया प्यार से,
भक्तों बहुत खातिर किया माता ने, गौरी माता ने। लेकिन अभी भी दोनों बालकों के चिंतन में अंतर था भक्तों। मुकुंद को तो भगवान की कृपा दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जितेंद्र को कृपा नहीं दिखलाई पड़ रही थी। अंदर कमरा बड़ा ठंडा था, और बाहर जब आए तो एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तो मुकुंद तो इस भाव में है कि भगवान ने कितनी कृपा करके मुझे अपना प्रसाद भरपेट खिलाया, और जितेंद्र ने कहा अच्छी मुसीबत में फंसाया है तुमने, हमारा ये भोजन तो एक संयोग था, अब हम दोनों में से किसी के पास एक पैसा भी नहीं है, आप इस वृंदावन में कैसे दर्शन करेंगे, कौन हमको फ्री में घुमाएगा, तांगा पर बैठ जाएंगे क्या बिना पैसे के, और वापस कैसे जाएंगे घर। तो मुकुंद ने कहा अरे जितेंद्र तू भगवान को इतनी जल्दी भूल जाता है, अभी तो भरपेट भोजन उन्होंने कराया है, और फिर भोजन भरपेट करते ही फिर भगवान को भूल गया तू, अब वह भगवान को तो मान ही नहीं रहा था जितेंद्र, मुकुंद ही मान रहे थे। तो जितेंद्र अब भी अपने को बुद्धिमान समझ रहा था, उसने कहा तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने गलती की। तो मुकुंद ने कहा अरे जितेंद्र शांत हो जाओ, जिस भगवान ने हमें भरपेट खाना खिलाया है वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे भाई, और आगरा भी वापस ले जाएंगे। बस इतना बोलते बोलते एक बहुत दुबला पतला आदमी सामने आता दिखाई पड़ा, और उसी कदम के नीचे जहाँ बच्चे बैठे थे आकर के सिर झुकाया और बोला प्रिय मित्र आप और साथी निश्चय यहाँ नए लग रहे हैं दोनों लोग, तो मेरी इच्छा है कि कुछ आपकी सेवा करूं मैं। तो वो दोनों मुकुंद को तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जितेंद्र को चिंता थी कि हमको कोई ठगने वाला ठग तो नहीं आ गया। लेकिन वो ठग तो नहीं था, भगवान का भेजा हुआ भक्त था। उस व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया और एक घोड़ा गाड़ी अर्थात तांगा मंगाया, और तांगे पर बैठा करके इन दोनों बालकों को वृंदावन में सब जगह घुमाया अपना पैसा खर्च करके, और सब मंदिरों में दर्शन कराया। और इसके बाद थोड़ी मिठाई भी ले आए, संदेश नाम की मिठाई जो बंगाली लोग खाते हैं वही मिठाई संदेश। और प्रताप नाम का वो व्यक्ति जो था वो दे करके खूब पूरा दर्शन पहले कराया, उसके बाद मिठाई का उपहार दिया और प्रणाम भी किया बड़े भाव से। और मिठाई का डिब्बा देने के बाद फिर उस प्रताप नाम के व्यक्ति ने मुस्कराते हुए कुछ नोट दिए रुपए। तो जब ये नहीं लेने को तैयार हुए तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि कुछ पुण्य तो हमको कमा लेने दीजिए, आप भगवान के भक्त हैं। और स्टेशन पर एकांत स्थान में बैठे लोग, और इसके बाद क्या घटना घटती है, वो जो प्रताप व्यक्ति था ना उसने मुकुंद से कहा कि आप भगवान के भक्त लग रहे हो, आप कृपा करके अपनी भक्ति कुछ मुझे सिखा दीजिए। तो जो युक्तेश्वर गुरुदेव से क्रिया योग की दीक्षा ली थी मुकुंद ने, वो प्रताप को भी उन्होंने प्रदान किया। अर्थात प्रताप जिनके प्रथम शिष्य हुए, बचपन में ही मुकुंद ने एक को प्रताप को दीक्षा दे करके अपना शिष्य बना लिया। और भक्तों बहुत आनंदित होकर के इसके बाद ये लोग
इनको टिकट भी दिया, प्रताप ने ही ला करके टिकट भी दिया आगरा का, दोनों बच्चों के लिए टिकट दिया, मिठाई का डिब्बा दिया, दीक्षा भी प्राप्त कर ली प्रताप ने, फिर प्रणाम किया और फिर कहा कि अब आपको यदि आगरा जाना है तो ट्रेन आ गई, आप बैठिए। भक्तों, जो विद्यार्थी था जितेंद्र, अब उसके ऊपर असर पड़ा कि यहाँ तो हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, न कोई खबर हमारी यहाँ आई थी, इतना अच्छा अच्छा भोजन हमको खाने को मिला, तांगे पर बैठा करके पूरे वृंदावन में हर मंदिरों का दर्शन कराया गया फ्री में, और टिकट भी आगरा के दो मिल गए दोनों लोगों के लिए, एक टिकट और मिठाई का डिब्बा भी मिला, और वो प्रताप नाम का बंगाली बालक जो मुझसे मुकुंद जी से दीक्षा भी प्राप्त किया। अब जितेंद्र सोचने लगा कि मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ था, अब तक मैं भगवान के संरक्षण की बात नहीं सोच पाया था। और ट्रेन में दोनों आगरा के लिए चल पड़े भक्तों, और दोनों बालक मध्य रात्रि होने के पहले ही आगरा पहुंच गए। तो जब बड़ा भाई इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि रात को 12 बजने के पहले ही दोनों बालक आ गए हैं वृंदावन से वापस, तो अनंतदा जो बड़ा भाई था वो मजाक के रूप में कहा, जितेंद्र सच सच बताओ, इस लड़के ने अर्थात मुकुंद ने कहीं रास्ते में किसी को लूटा तो नहीं, जेब तो नहीं काटी किसी की? तो जितेंद्र ने कहा, भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, आज तो चमत्कार हुए, खाने को भरपेट सुंदर सुंदर बढ़िया से बढ़िया व्यंजन मिला, पूरे वृंदावन में तांगे पर बैठा करके सब मंदिरों का दर्शन कराया गया, वापसी में मिठाई का डिब्बा भी मिला है और आगरा की टिकट भी मिले, और जिस व्यक्ति ने ये सब किया है उसने दीक्षा भी लिया मुकुंद से। अब आधी रात अब हुई भक्तों, तो अनंतदा जो बड़ा भाई था उसने कहा, मुकुंद तुमको वृंदावन जाने पर एक शिष्य मिल गया, उसने इतनी तुम्हारी सेवा की, अब दूसरा शिष्य मुझको बना लो। बड़े भाई ने कहा अनंतदा ने कि इस दूसरे शिष्य की भी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो, मैं बहुत मूढ़मती हूँ, बड़ा भाई जरूर हूँ, लेकिन अब मैं समझ सका कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं और सदा तुम्हारी संभाल करते हैं, इसलिए आज मेरी दीक्षा कर दो, बाद में विश्राम करना। तो रात में 12 बजे ही मुकुंद ने बड़े भाई की दीक्षा की है और मुकुंद गुरु बन गए, बड़ा भाई शिष्य बन गया। भक्तों, मुकुंद ने भगवान कृष्ण की कृपा और भक्त की संभाल ये सब प्रत्यक्ष करके दिखला दिया और दो दो शिष्य भी हो गए जिनको जीवन को अपने कंधे पर संभाल लिया, और वो विद्यार्थी जो सहपाठी था उसको भी भक्त बना दिया और बड़े भाई को तो शिष्य बना ही लिया। यही है महाराज परमहंस योगानंद जी, जो अभी बच्चे के रूप में हैं, आगे इनके चरित्र को मैं फिर सुनाऊंगा। आज बाल योगी को यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।